हाय, मेरा नाम है ओमकार। फेलिफ्रिक सिद्धार्थ यार। हाय, मेरा नाम है सिद्धांत। तो आज हम चारों जो ये एक ही गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। हम चारों के चारों यूट्यूबर्स हैं और चारों मिलके एक ही गाड़ी के ऊपर जो हम टूट पड़ने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भीड़ ही इतनी ज़्यादा है और ये गाड़ी सिर्फ एक ही दिन के लिए आई है। एक ही दिन के लिए क्या, अभी जो टाइम हो रहा है ना वो आप देख सकते हैं, अभी अराउंड 4:30-5 बजे है और ये गाड़ी जो है 7 बजे तक ही यहाँ पे है। तो हमें जल्दी से जल्दी ये वीडियो शूट करना है। हाँ, तो यहाँ पे जल्दी से चलते हैं गाड़ी के फ्रंट पेशिया की तरफ और यहाँ पे आप जल्दी से देख लीजिए कि गाड़ी किस तरह से दिखती है। तो ओके, फैजान भाई जरा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये एलईडी डीआरएस और टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है एक में ही, दो आपको यहाँ पर ही अलग अलग मिलेंगे। ओके, ये काफी कूल लगता है वैसे ना। ये होंडा सिविक की थोड़ी हल्की सी झलक है। यहाँ से ये जो लाइनिंग है ना, ये थोड़ा कर होंडा सिविक जैसा है। यहाँ पर ये क्रोम ट्रीटमेंट, यहाँ पर ये कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है, मस्त लग रही है ट्रीटमेंट के साथ, प्रीमियम लगती है। और ये टोयोटा का लोगो, अब ध्यान से देखोगे ना तो ये क्रोम नहीं है, ये गार्निश है यहाँ पर। यस यस राइट। इसके अलावा नीचे की तरफ ये काफी बड़ी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ग्रिल दी गई है, बहुत बड़ी ग्रिल है यार। और यहाँ पर ये 360 डिग्री कैमरा। तो ये टॉप मॉडल है ना? हाँ, ये टॉप मॉडल और फुल हाइब्रिड के, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बराबर। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर ये स्किड प्लेट दी गई, ये भी ग्रे गार्निश फिनिश यहाँ पर आपको मिलेगी। राइट, यूजुअली सिल्वर होते हैं बट वो नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्रोम ट्रीटमेंट एलईडी, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाएंगे। भाई ये काफी मस्त डिजाइन भी है और इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं पर, बराबर भाई। तो क्योंकि ये बहुत लो है ना, तो इसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब पैसे भी बच रहे हैं और काम भी हो रहा है। राइट। उसके अलावा भी इंजन की बात कर लेना तो दो इंजन ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, एक तो माइल्ड हाइब्रिड जो कि मारुति का इंजन है 1.5 लीटर वाला, और ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कि टोयोटा का इंजन है, ये भी 1.5 है और माइल्ड हाइब्रिड भी 1.5 रहेगा। और मजे की बात ये है, अपने सेगमेंट में सिर्फ हाई राइडर और ग्रैंड विटारा जो कि आएगी ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन के साथ में आपको मिलेंगे, बाकी क्रेटा सेल्टोस कोई भी नहीं आते ऑल व्हील ड्राइव के साथ। ओके, तो ये बहुत मतलब एडवांटेज है इस गाड़ी के लिए। ऊपर वैसे यहाँ पे इंसुलेशन है एंड ये इंजन 28 kmph माइलेज क्लेम करता है पेट्रोल में। वाओ यार, 28 kmph, मतलब सोच रहे हो। वाओ, ओवरऑल लुक्स देख लो, बेस्ट इन सेगमेंट राइट। एंड और यहाँ पर ये चीज अच्छी है, जैसे कि आपको पता ही है ना, एस्क्रॉस के प्लेटफॉर्म पर बनी है गाड़ी, ब्रेजा के या एस्क्रॉस के, तो यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग भी काफी मस्ती आपको मिलने वाली है। okay. क्योंकि वो एक क्रूड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हाई राइडर के साथ सेफ्टी रेटिंग आपको जबरदस्त मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स टोयोटा है तो रिलायबिलिटी की कोई बात ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे थोड़ा साइड में आ जाते हैं, 17 inches के अलॉयज है एंड टायर प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, 215/60R 17 इसकी जो है टायर प्रोफाइल है। बाकी सामने के साइड में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे के साइड में देखते हैं कि क्या मिलता है। तो पीछे भी जो है डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। तो गाइज ये है कुछ इसका रियर का फीशा, हालांकि यहाँ पर पीछे थोड़ी सी कम जगह है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एलईडी टेल लाइट का डिज़ाइन, काफ़ी अट्रैक्टिव एलईडी टेल लाइट का सेटअप यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सी शेप के अंदर आपको एलईडी टेल लाइट का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टेलगेट के ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलने वाली है, यहाँ पर वाइपर दिया हुआ है, रूफ माउंटेड स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, हालांकि इसका रूफ कम्प्लीटली ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ आ जाता है। और यहाँ पर सिंपली इसके टेलगेट को ओपन कर देते हैं, एक मिनट। ओके, यहाँ पर इसका बूट स्पेस ओपन हो चुका है, हालांकि यहाँ पर इसके अंदर आपको बूट स्पेस थोड़ा सा कम मिलने वाला है, 300 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा और इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसकी जो बैटरी है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है, तो यहाँ पर इतना सारा बूट स्पेस आपको मिलने वाला है, हालांकि 300 लीटर आपके लिए सफिशियंट हो सकता है, आप 3 या फिर 4 बैग आराम से रख सकते हैं और ट्रैवलिंग के वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पार्सल ट्रे यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको टूलकिट का ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि अच्छी खासी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सी शेप में आपको एलईडी टेल लाइट का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ओआरवीएम के नीचे जैसे कि 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है ना, तो वो यहाँ पर दिया गया है। ओके, वाओ। और हाइब्रिड की ब्रांडिंग, एक्चुअली दोनों आपको हाइब्रिड ही मिलेंगे, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, लेकिन जो ये ब्रांडिंग रहेगी ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगी। और ये भी मतलब ये पैनो ब्लैक फिनिश है, काफी मस्त सा लगता है, मस्त सा लगता है, छोटू छोटू सा लगता है। और ये ड्यूल टोन है ना वादा, ये जो मॉडल है ड्यूल टोन है। और एक चीज तुझे बता दूं, ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी होने वाली है, किक्स को छोड़कर, मतलब ये क्रेटा से भी लंबी। ओके, वाओ। तो सिद्धांत भाई हमें एक्सप्लेन करेंगे इंटीरियर और सिद्धार्थ भाई भी अंदर का इंटीरियर एक्सप्लेन करेंगे। तो इफ वी गेट चांस, यस राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है यार, सच में यार, सच में बहुत ज्यादा भीड़ है। ऊपर दिखा दे और पैनोरामिक सनरूफ देख रहे हो इस गाड़ी में, जैसे यार अरे भाई इसी की क्लास भी खुलती है। मजे की बात ये है क्रिस्टा फॉर्च्यूनर में भी सनरूफ नहीं, और यहाँ पर देखो एक चीज बोलू क्या सिद्धार्थ भाई, इस गाड़ी के अंदर जो सनरूफ आता है ना उसके अंदर से हम चारों एक साथ जो बाहर निकल सकते हैं, इतनी बड़ी स्पेस है। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, इतनी बड़ी स्पेस है ना कि चार लोग आराम से बाहर निकल सकते हैं। सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ इसके अंदर, yes, और right. के अंदर और वो खुलने वाला सनरूफ, मतलब जो पैनोरामिक रहता है वो वाला नहीं,
तो ये भी एक चीज़ है। बाकी तो एक एक चीज़ यहाँ पर दिखा रहे, लोग वीडियो कॉल से भी मतलब दिखा रहे हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं एक चीज़, सुबह से हम आए हैं, सुबह 11 बजे आए थे, 11:30 बजे के आसपास इसकी लॉन्चिंग हो गई। अभी बज चुके हैं 4:30। इस गाड़ी के लिए क्रेज बहुत ज्यादा है यार लोगों को, इस गाड़ी के लिए ना क्रेज बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम है कि ये कम टाइम पीरियड के लिए यहां पे इससे ज्यादा है। एक चीज हमने नोटिस करी है, बहुत सारे लोग इस कार को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, इस कार मतलब लेने के हिसाब से देख रहे हैं। इसकी जो डिमांड है ना काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और डेफिनेटली ये और विटारा मार्केट को हिलाने वाले हैं। तो चलिए अभी जल्दी से अपने अपना जो मतलब जगह है वो कैप्चर करते हैं और अंदर का इसका इंटीरियर दिखाते हैं। राइट, और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, ऑल व्हील ड्राइव आपको मिलेगा लेकिन सिर्फ माइल्ड इंजन के साथ में, यानी कि जो 1.5 लीटर का इंजन आता है ना मारुति। ओके, हाँ बराबर, वो हाई मतलब जो कौन सा अपना कौन सा एक इलेक्ट्रिक एचवीएस जो होता है ना, यस यस राइट, उसी के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव का मिलेगा, वो भी सिर्फ मैनुअल में, और स्ट्रांग हाइब्रिड आपको सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ में मिलने वाली है। और यहाँ पे एक डेमो भी वैसे दिखा है जहाँ पे मतलब जो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी वो कैसी यूज होती है वो यहाँ पे वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं टोयोटा के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें यहाँ पे जो दे रखी है। और एक चीज़ की इस गाड़ी के अंदर आपको जो ये 1.6 लाख किलोमीटर की जो ये बैटरी की वारंटी मिलती है, तो और 8 साल की, हाँ 8 साल की आपको जो वारंटी मिलती है, जो कि मतलब अगर कुछ दिक्कत आती है जो बैटरी का सिस्टम रहता है उसके अंदर कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी जो आपको फ्री में एक्सचेंज या रिपेयर करके दे देगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में। और हाँ, यहाँ पर व्हील बेस आपको 2.6 मीटर का मिलेगा जो कि एस्ट्रा जितना है, काफी लंबी है यार वैसे। यहाँ पर देखिए ये लंबाई में क्रेटा से ज्यादा है लेकिन व्हील बेस 10 एमएम क्रेटा का ज्यादा आपको मिलेगा। ओके, डायमेंशंस की बात करें तो चलो अंदर चलते हैं, अभी अंदर अपना सीट जो है कैप्चर करते हैं। सिद्धार्थ भाई जरा अपना सीट कैप्चर करना, और सिद्धांत भाई आप भी इसके साइड में बैठ जाना। ओके आगे आप, ओके 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 डोर, वाओ। ओके, तो ये है सेकेंड रो का डोर, यहाँ पर आपको लेदर की फिनिशिंग मिलने वाली है, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया हुआ है और ड्यूल टोन कलर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर का यूज किया हुआ है, ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, कुछ जगह पर आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी और पियानो ब्लैक की फिनिशिंग भी दी गई है। 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर आप रख सकते हैं, उसी के साथ यहाँ पर आपको विंडो को अप डाउन करने के लिए एक बटन मिलेगा। डोर अनलॉक को क्रोम फिनिशिंग के साथ प्रेजेंट किया है और यहाँ पर लॉक का बटन आपको मिलने वाला है, और आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ तो जा ही नहीं रही यार कुछ भी बोल। एंड और एक चीज की ये जो कलर स्कीम यहाँ पे दिख रही है थोड़ी फॉर्च्यूनर जैसी लग रही है, फॉर्च्यूनर राइट, तो थोड़ा सा मतलब इसको टोयोटा जो प्रीमियम बनाया है, टोयोटा का अपना जो फिनिश है वो इसको देने की कोशिश की है। एंड लेगरूम दिखाओ उस भाई का, लेगरूम तो अराउंड 6 की मुझे हाइट लग रही है, सो उसका सो भैया आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट हाइट है भैया की। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते लेग स्पेस इनफ थी, बाकी तो सिद्धार्थ भाई अभी अंदर घुसे गए, बट यहाँ पे फिर से एक बंदे एक सर ने इसको जो ये रोक लिया है। अरे चांस ही नहीं मिल रहा है अंदर जाने के लिए। इसने भी ट्राई किया भाई, ये इज्जत है हमारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वेटिंग के लिए लोग वेटिंग के लिए लोग, एक तो ये लोग वेटिंग के लिए है, नहीं तो इन्होंने जो बुकिंग कर रखी है या ये सोच रहे बुकिंग करने का, बट जो भी लोग आ रहे हैं ना वो इस गाड़ी के बारे में बहुत सोच रहे हैं और मतलब डेफिनेटली ये मार्केट हिट करने वाली है, मैं मतलब इतना तो बोल सकता हूँ। और इंटीरियर बाकी है, और ये 360 यहाँ पे आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड भी बहुत प्रीमियम है, ब्रेजर से काफी मिलते जुलते इंटीरियर है यहाँ पर, मतलब देख रहे हो ना सिर्फ यहाँ पर सॉफ्ट टच फिनिश का यूज किया गया है जो काफी मस्त लग रहा है। सो सिद्धांत गॉट ए चांस, यहाँ पे अभी वो आगे बैठने वाला है और आगे बैठने के लिए वो काफ़ी टाइम पास कर रहा है, वैसे इसकी सीट जा भी सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्धांत भाई अंदर बैठ चुके हैं। और ओके, सो ये 360 कैमरा जो कि सेम एज आपको विटारा में मिलेगा। सो अभी मैं पीछे चलता हूँ और पीछे मुझे जगह मिल गई है, वाओ। यस यार फाइनली आई गॉट स्पेस, यहाँ पे लाइट है, कह रहे हैं यहाँ पे लाइट है। अबे फ्रैंकली, अबे जाने देना वो पीछे की स्पेस की बात करते हैं। अबे फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर ना इंटीरियर में स्पेस अच्छी है बट क्रेटा के मुकाबले थोड़ी कम लग रही है। अभी 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आपको बीच में जाएंगे। और कुछ यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टेबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो छोटा सा दिख रहा है यार अंदर से, बट ठीक है यार, मतलब ओपनिंग अच्छी खासी मिल रही है, ओपनिंग बहुत बड़ी है यार लिटरली, मतलब इधर तक ही खुलता है। हेडरूम में देखो कोई दिक्कत नहीं है और 3 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अगेन जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना क्रेटा से कम स्पेस यहाँ पर लग रही है। यस राइट, और यहाँ पे ऊपर के साइड में हैंडल्स वगैरह, हैंडल्स लाइट वगैरह सब कुछ, तो 3 लोग वैसे तो काफी अच्छे से बैठे हैं, मुझे कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो यहाँ पर हम सेकंड रो पर बैठे हैं, ओमकार है, फैजान भाई है और मैं खुद हूँ। तो यहाँ पर भाई तीन लोग जब सेकंड रो पर बैठेंगे तो तीन लोगों को बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, सीट की क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है, उससे भी बढ़िया आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है, सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ आपको मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कार का फ्रंट का कॉकपिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, सुबह से हम आए थे शूट के लिए, आगे जाना बाकी है अभी, फाइनली आगे चलते हैं, आगे की सीट्स के ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, सीट देखते हैं क्योंकि यहाँ की स्पेस अच्छी खासी लग रही है। राइट, हमने हमारा एसी वेंट भी दिया हुआ है, भी है पीछे की तरफ। ओके, और 6 एयरबैग्स आपको मिलने वाले इस गाड़ी के साथ, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाँ तीनों ही ऑपरेटिंग देख लीजिए, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, दो तीन, हाँ, और नीचे यहाँ पर जो मैं खोल नहीं सकता अभी आर्मरेस्ट, बट दिया है यहाँ, उतर तो बाहर फिर ये ले। तो गाइस यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, उसी के साथ यहाँ पर आपको कम्प्लीटली नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पर हेडसअप डिस्प्ले दिया हुआ है और हेडसअप डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपको सिंपली कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर बटन दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा को ओपन करने के लिए भी यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा, मैं सिंपली बटन को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, हालांकि आप मोड भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाला है, टच सेंसिटिव काफी ज्यादा बढ़िया है, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मारुति सुजुकी ने ही मैन्युफैक्चर करी है, तो यहाँ पर मतलब आपको सेम चीजें मिलने वाली है। सेंट्रल कंसोल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एसी वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है और यहाँ पर इस कार के अंदर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर मिलने वाला है। हालांकि टोयोटा कंपनी ने इस कार के अंदर 40 से भी ज्यादा कार कनेक्टेड फीचर्स को इंक्लूड किया है, जिसके तहत आपको बहुत सारे फीचर्स का एक्सेस मिलने वाला है, आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। और ड्राइवर सीट की अगर मैं बात करूं तो काफी कंफर्टेबल है, यहाँ पर ड्राइवर को बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हमारे सिद्धार्थ भाई हैं जो कि नासिक के सबसे लीडिंग यूट्यूबर हैं, इनके 1,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम इनसे आज थोड़ा क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ भाई देखो सेगमेंट लीडिंग अभी है क्रेटा और सेल्टोस, उनको कोई राइवल था नहीं, तो क्या लगता है आपको टोयोटा हाई राइडर और विटारा जो तो आएंगे, जो कि दोनों भी अपने अंडरपिनिंग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या लगता है उनके सेल्स को हिट करेंगे या ये लाइक नॉर्मल चलेगा जैसे चलना है? देखो दो चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे लॉन्च इवेंट कवर करे हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कार लॉन्च होती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, वो देखो 2-3 घंटे के अंदर पूरी खत्म हो जाती है, बट अभी बज चुके हैं 4:30, अभी 5 बज चुके हैं और सुबह से लेकर अभी तक हम तो 11 बजे से आए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने नोटिस करी, बहुत सारे लोग इस कार को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो चेक कर रहे हैं, सेकंड रो को चेक कर रहे हैं, मतलब इस कार को ना मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों से बहुत ज़्यादा, तो लोग ना इस कार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और मतलब सुबह से भीड़ कम होने का नाम ही ले रही है। हम सुबह 11 बजे आए थे, अभी 5 बजे शूट कर रहे हैं वीडियो, तो आप मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार की जो डिमांड है ना वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और इस कार के अंदर आपको बहुत सारे फर्स्ट सेगमेंट फीचर्स मिलेंगे, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, 28 का माइलेज मिलेगा, हालांकि प्राइसिंग अभी आनी बाकी है, लेकिन क्रेटा सेंटोस को तो डेफिनेटली ये टक्कर देने वाली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी विटारा आनी बाकी है, हाई राइडर ने इतनी तबाही मचाई तो विटारा कितना मचाएगी ये तो आने वाला सबसे। एंड इवन मोस्ट ऑफ द मार्केट तो मारुति सुजुकी कवर करता है एंड इवन टोयोटा, तो मेरे को लगता है कि क्रेटा सेल्टोस को कड़ी टक्कर होने वाली है। और आपको आज के डेट में ना क्रेटा 5th पोजीशन पर आती है कार सेल्स रिपोर्ट में, लेकिन श्योर मत हूँ जब इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी तो क्रेटा 10 के ऊपर चली जाएगी आराम से। और एक पूछना था कि कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कैसी होगी, लाइक एज कम्पेयर टू क्रेटा एंड सेल्टोस की प्राइस क्या हो सकती है? देखो प्राइस तो एक्सपेक्टेड 10 लाख बताई जा रही है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट में प्राइस लीक हो चुकी है ऑनलाइन, 9.5 लाख रुपये बेस मॉडल की बताई जा रही है विटारा की, यहाँ पर इसकी 10-10.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस, टॉप मॉडल 18-19-20 लाख रुपये तक चला जा सकता है एक्शोरूम प्राइस, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इवन अभी फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक हम बोल रहे हैं, बट ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि हाइब्रिड सिस्टम है। यस, एक्चुअली ना हमने इसका हाइब्रिड सिस्टम का अलग से वीडियो बना दिया है, यानी इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आता है वो कैसे वर्कआउट करेगा, इसके अंदर उन सर ने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी पावर आउटपुट देती है और जब रिक्वायरमेंट होती है तभी पेट्रोल इंजन का मतलब इस्तेमाल होता है, उसी वजह से इसके अंदर आपको माइलेज ज़्यादा मिलने वाला है, कैमरा आपको इलेक्ट्रिक बैटरी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, माइलेज भी तगड़ा मिलने वाला है और बाकी की चीज़ें तो है। एंड इवन गाइस यहाँ पे तो सिद्धार्थ भाई ने एकदम छोटा डिटेल में बताया, तो उस वीडियो की जो लिंक है मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कंप्लीट वहाँ पे जो है उनके एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो जरूर देखना।
डिटेल वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड पूरा जो सिस्टम है, मैं भी एक इन शॉर्ट बताता हूँ, पूरा सिस्टम इंडिजिनियसली वर्क करता है और काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो माइलेज आपको एकदम हाई लेवल पे मिलेगा। यहाँ पर एक सर से मैंने एक सवाल पूछा था, जिस तरह से सीएनजी कारों के अंदर ऑप्शन होता है आप पेट्रोल के अंदर स्विच कर सकते हैं और सीएनजी के अंदर स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। कार अपने आप डिसाइड करेगी रोड के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और ये जो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट रहती है वो अपने आप एडजस्ट होगी, तो वहाँ पर आपको कोई भी बटन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो गाइस इधर इतना रश है कि हमें पर्सनली एक एक ऊपर के वीडियो निकालने में टाइम नहीं मिला, तो हमने एक कोलैबोरेटिव वीडियो भी निकाला। ये